तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया। नहीं नहीं बंदे को छोड़ दो, ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। शो वाज अ सिंगल ऑर्डर सेइंग टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन। बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता, आप कहेंगे जी आज आपने क्या किया ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस सर। इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था मैंने वो जनाब को पहुँचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूँ इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, क्यों ठीक है उन्होंने वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल है। नहीं नहीं मेरे ख्याल में नहीं है, वो आए उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए, ऐसे नहीं होगा ना हमारा काम। जरा सा देखिए आप, यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स।